Hey guys, welcome or welcome back to my channel, Mommy's Life My Way. How are you all? My name is Akanksha, and in today's video, I'm going to show you all the must-have jewelry pieces that I own and that you must also be owning. So if you want to know what are those pieces, keep on watching. सबसे पहले जो है मैं एक सेट आपको बताने वाली हूँ जो कि है कुंदन का. कुंदन के जो सेट्स हैं वो थोड़े से यू नो कॉस्टली भी होते हैं और उनका जो लुक है वो थोड़ा सा रिच भी आता है. सो दिस इज द काइंड ऑफ नेकलेस दैट आई हैव. दिस इज फ्रॉम Amazon. लेट मी शो यू. सो या दिस इज द काइंड ऑफ पीस दैट आई हैव. इट इज़ फ्रॉम Amazon. ये कुंदन है, प्रॉपर कुंदन की जो नेकलेस है और ये पीछे से इस तरीके से दिखता है. बेंड नहीं होता है बिल्कुल भी. इट इज़ जस्ट स्ट्रेट पीस. पीछे से इस तरीके से इसकी फिनिशिंग है. बट एक कम से कम एक पीस तो आपके पास कुंदन का होना ही चाहिए बिकॉज इट इज़ सच अ मस्ट हैव. और किसी भी कपड़े के साथ ये चल जाता है, किसी भी आउटफिट के साथ ये चल जाता है. इसकी जो इयर रिंग्स है वो कुछ इस तरीके से है. सो दिस आर द इयर रिंग्स फॉर द सेम सेट. ये मैंने Amazon से लिया था कुछ 2 साल पहले. इसकी प्राइस मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है. बट दिस इज काइंड ऑफ मस्ट हैव. यू नो कुंदन का सेट किसी भी ड्रेस पे, किसी भी साड़ी पे, किसी भी मटेरियल की साड़ी पे, यू नो इंडो वेस्टर्न अगर आपको लुक क्रिएट करना है तो भी आप उसको इसके साथ पेयर कर सकते हैं. एंड अगर ट्रेडिशनल लुक आपको यू नो बनाना है तो आप उसमें भी इसे पेयर कर सकते हैं. सो दिस इज द काइंड ऑफ मस्ट हैव फॉर मी. उसके बाद बनते हैं एक डिफरेंट सी पैटर्न पे. आजकल ये बहुत ज़्यादा यू नो चल रहा है ये पैटर्न. सो या दिस इज द नेकलेस दैट आई हैव. दिस इज द काइंड ऑफ नेकलेस. इट इज द काइंड ऑफ चोकर. दिस इज द काइंड ऑफ चोकर. इसमें जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से जो है डायमंड्स लगे हैं. अगर आप शादी में किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो ये जो है नेकलेस पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा चमकेगा. इसके बीच में जो है अगेन ये थोड़ा सा राजस्थानी काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ डिज़ाइन है. नीचे इस तरीके से एक रेड कलर का स्टोन लगाया हुआ है एंड बोथ द साइज आर द सेम राजस्थानी डिज़ाइन. पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. ये थोड़ा सा यू नो थोड़े से नेक के पास पहनने के लिए चोकर काइंड ऑफ अ नेकलेस है. बट इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है एंड आई एम पिकिंग इट एज मस्ट हैव बिकॉज आजकल ये जो स्टोन्स है ना, आप जो स्टोन्स यहाँ पे देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से यू नो चमचम चमचम करते हैं जो कि बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत अच्छा यू नो हैवी होने का एहसास मतलब क्रिएट करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है ऐसा वाला नेक पीस. अगेन इसके साथ जो इयर रिंग्स आते हैं वो कुछ हैवी है, सेम लाइक द नेकलेस. क्योंकि नेकलेस हैवी है तो इसमें भी आप देख सकते हैं इस तरीके से डायमंड का ये जो ऊपर का स्टड है वो डायमंड का सेम डायमंड्स में है एंड नीचे बीच में जो है ये राजस्थानी काइंड ऑफ डिज़ाइन है. पोलकी बोलते हैं शायद इसको, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड. और नीचे भी इस तरीके से झुमकी है. झुमकी में भी आप देख सकते हैं डायमंड्स की ही इन्होंने लगाई हुई है. एंड इसके साथ मुझे एक माथा पट्टी भी मिली थी जो इस तरीके से है. इसके साथ ऊपर ये चेन आती है. इट लुक्स सो फैब. और ये आपकी किसी भी आउटफिट को जो है ना 4 चांद लगा देता है. अगर आपका आउटफिट सिंपल है, अगर आपको उसको थोड़ा सा यू नो एम्प अप करना है तो आप ज़रूर ऐसे किसी ज्वेलरी पीस का यूज़ कर सकते हैं जो मिनटों में आपका आउटफिट यू नो 4 चांद लगा देती है आपके आउटफिट को. तो ये था मेरा सेकेंड ऑप्शन. उसी से मिलता जुलता एक थर्ड ऑप्शन है मेरे पास, बट दिस इज इन लॉन्ग नेकलेस. सो ये जो नेकलेस है ये टैंगल हो गया है. This is a kind of necklace that I have. इस तरीके से this is in pure golden finish. इसके जो क्या बोलूँ, इसके जो diamonds है ना वो भी थोड़े से goldenish color में है. अगर आप देखेंगे ये भी देखिए किस तरीके से चमक रहा है. इसकी जो चमक है ना वो बहुत ज़्यादा blind कर देने वाली चमक है. देखिए this is such a long necklace and you can wear it on. उसके साथ मैं पेयर करती हूँ नॉर्मली क्योंकि वो जो है चोकर नेकलेस है एंड दिस इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग नेकलेस. तो मैं ये दोनों नेकलेसेस एक साथ पेयर करके पहनती हूँ. मुझे अच्छा लगता है क्योंकि किसी भी आउटफिट को यू नो एम्प अप करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. इस तरीके से इसकी लड़ी है एंड नीचे इस तरीके से इसका पेंडेंट है और नीचे इस तरीके से इसको मोती लगाया हुआ है जो कि बहुत अच्छा दिखता है दिखने में. इसके इयर रिंग्स जो है वो कुछ इस तरीके से है. लेट मी शो यू.
तरीके से इसके एयरिंग्स हैं, इसके भी आप देख सकते हो कैसे डायमंड चमक रहे हैं बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड है, मुझे नहीं पता कब से, बट मैंने बहुत सारे लोगों को यू नो ये वाले ऐसे वाले मतलब दिस काइंड ऑफ आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड डायमंड्स और व्हाट स्टोन्स, बट मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरीके से ज्वेलरी ये वाली ज्वेलरी पहने देखा है, इसलिए आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू ऑल। उसके बाद जो नेकलेस है वो है ये, दिस इज ऑल्सो इन काफ़ी इन ट्रेंड, थोड़ा सा ऑन द हेवी साइड है इसका, और इसका कान का इसका इयर रिंग स्टक हो गया था इस नेकलेस के अंदर, सो दिस इज द काइंड ऑफ नेकलेस। अगेन इट इज कुंदन, यू कैन सी यहाँ पे जो है ये जो है कुंदन पार्ट है, एंड ये जो है बीच में ग्रीन कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं, एंड दिस इज काइंड ऑफ पोलकी वर्क बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वर्क इट इज कॉल्ड, बट या इट इज दैट। एंड ये भी पहनने के बाद बहुत ज़्यादा रिच लगता है, बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, हैवी लुक देता है आपके आउटफिट को, यू नो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे मुझे ज़्यादा आउटफिट्स पे यू नो ध्यान देना कम पसंद है रादर देन ज्वेलरी, बिकॉज आई लव ज्वेलरी, सो दैट इज़ द रीज़न। ये इस तरीके से नेकलेस है, एंड इसका जो इयरिंग है वो है ये सेम इयरिंग है, ऊपर कुंदन है, बीच में ग्रीन स्टोन, एंड नीचे ये पर्ल ड्रॉप में इस तरीके से इसका इयरिंग। इसके साथ कोई माथा पट्टी नहीं आई थी मुझे, बट आई रियली रियली लव दिस, दिस थ्री सेट्स विच आई शोड अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कुंदन सेट आर बॉट लोकली, तो इसीलिए इसकी प्राइस मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साल हो गए हैं ये मेरे पास है, तो इसीलिए। एंड आई स्टाइल इट विद ईच एंड एवरी ऑफ माई आउटफिट, इफ यू हैव सीन तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में मेरे सबसे फेवरेट आजकल जो है ब्लैक मेटल में आर दिस झुमकीज, दिस झुमकीज आई बॉट फ्रॉम मीशो रिसेंटली, ये मुझे कुछ 100-200 के प्राइस रेंज में पड़ी थी। जस्ट अ सेकेंड, इसमें मेरे बाल अटक गए हैं, सो आई थिंक आई शुड रिमूव इट बिकॉज इट लुक्स ग्रोस इफ आई डोंट, या सो दिस आर द झुमकीज। पहनने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी लुक देती है, एंड आपको गले में कुछ पहनने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप इस वाले इयरिंग्स को पेयर करते हैं, बिकॉज इट इज़ सो यूज इन इट सेल्फ, इट डजेंट नीड एनी पेयरिंग, इसीलिए जो है मैंने ये खरीदे थे। एंड मैं इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे जो कलमकारी ड्रेसेस है उसके साथ पेयर करती हूँ, जो एक कट ड्रेसेस है उसके साथ पेयर करती हूँ, नॉर्मली कॉटन ड्रेसेस, लहरिया ड्रेसेस के साथ, इन सारी ड्रेसेस के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छे यू नो पेयरअप हो जाते हैं, तो इसलिए आई लाइक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। एंड द सेकेंड थिंग विच आई थिंक फ्रॉम ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, जंक ज्वेलरी, इज दिस चोकर। इस तरीके से ये चोकर है, पीछे से ये ब्लैक डोरी है, ये चोकर भी एक मस्ट हैव है, क्योंकि आजकल सिल्वर ज्वेलरी इतनी इन ट्रेंड है कि कम से कम एक तो चोकर आपके पास होना ही चाहिए, इसलिए मैंने इसको रिसेंटली ऑर्डर किया था। दिस इज अगेन फ्रॉम मीशो एंड इट लुक्स सो ब्यूटिफुल व्हेन यू वेयर इट। आजकल नवरात्रि जब गई तो मैंने इसको बहुत सारे ड्रेसेस के साथ अपने पेयर किया, बिकॉज नवरात्रि में यू नो जंक ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, एंड दिस इज द काइंड ऑफ इयरिंग दैट आई गॉट विद द सेम चोकर। चोकर इज वेरी नाइस, इफ यू कैन सी दिस इज अ काइंड ऑफ चोकर, एंड इसके साथ इसके साथ ये वाली इयरिंग इन्होंने मुझे भेजी थी। आई रियली रियली लाइक्ड इट, नीचे की झुमकी और नीचे के जो पर्ल है बहुत क्यूट डिटेलिंग है, आई जस्ट रियली लव इट, और ये बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो इसको बहुत यूज़ किया नवरात्रि में, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी फेस्टिव सीजन चल ही रहा है, बहुत सारी शादियाँ हैं, बहुत सारी यू नो फंक्शंस होते रहते हैं ये वाले ठंड मतलब जो विंटर सीजन है इसमें, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये भी इसमें इंक्लूड कर ही लेते हैं। कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोज़ और बनाऊँ तो वो भी मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, एंड विल मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।